बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि किन किन किसानों का इस बार जो 14वां इंस्टॉलमेंट है वो नहीं मिलने वाले हैं, वो छंट जाएंगे और हो सकता है उसे परमानेंट के लिए भी ना मिले। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, और चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको पीएम किसान का पैसा मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले हैं, या फिर परमानेंट के लिए आपका पीएम किसान का जो भी है वो बंद कर दिया गया है। तो आपको कैसे चेक करना है मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, और ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीएम किसान के इस पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आने के लिए आपको पीएम किसान सर्च करना है। जैसे ही आप पीएम किसान सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट नजर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान का ही वेबसाइट है, और इसका वेबसाइट कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। pmkisan.gov.in आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद ही आपको दिखाई देंगे। तो ये रहा हमारा वेबसाइट, और वेबसाइट में स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। तो ये यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम नहीं होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालना है आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे सामने आता है, यहाँ पे नाउ और रजिस्ट्रेशन नंबर पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, और कैप्चा अगर यहाँ पे नहीं फिल करेंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कैप्चा नहीं फिल करना है, डायरेक्ट गेट मोबाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सीधे सबमिट कर देंगे। फाइनली आपके सामने कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आपको पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने फिर से उसी तरह का ऑप्शन खुलेगा जिस तरह से पहले हमने आपको दिखाया था। यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे आपने निकाले थे उसको कॉपी करके रख लेना है, और यहाँ पे टाइप कर देना या फिर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना, आपके सामने यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे कैप्चा फिल करने के बाद, तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना है एलिजिबिलिटी स्टेटस। यहाँ पे जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी जो आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी खुलेगा, वरना ये नहीं खुलता है। देखिए यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल जाता है। तो जैसे यहाँ पे खुल जाएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि लैंड सीडिंग नो है या फिर यस है। अगर नो है तो आपको इस बार पैसा नहीं मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे केवाईसी स्टेटस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे केवाईसी स्टेटस यस है या नो है आपको चेक कर लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे में भी एक ऑप्शन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट सीडिंग होगा आधार से तो यहाँ पे टिक, ग्रीन टिक यहाँ पे आपके सामने दिखाई देंगे। अगर आपका अकाउंट आधार से सीडिंग नहीं है तो आपका ये यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा रहेगा, और नो कहाँ पे वो टिक लगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो का यहाँ पे एक लोगो रहेगा, नो का, जिस तरह से यहाँ पे लैंड सीडिंग में नो का दिखाई दे रहा है उसी तरह से यहाँ पे नो है। तो अगर आप यहाँ पे नो आपका है तो आपको बैंक जाकर के आधार लिंक कर लेना होगा, वो यस हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे केवाईसी अपडेट की बात करें तो केवाईसी हमने जो अपडेट किया है, केवाईसी हमने जो पीएम किसान का किया है उसका डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथ ही साथ। और यहाँ पे जैसे नो है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसका यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आधार नंबर फिल कर देना है, और यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा फिल करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी फिल करेंगे। इसके बाद आपके सामने शो कर जाएंगे कि आपका अकाउंट कौन से आधार कौन से अकाउंट में लिंक है। अगर आधार लिंक नहीं है तो शो नहीं करेंगे, अगर लिंक है तो दिखाई देंगे। तो यहाँ से एक बेहतरीन तरीका है चेक करने का कि लिंक है या नहीं है। तो ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि आपको यहाँ पे लैंड सीडिंग यहाँ पे यस होना चाहिए, केवाईसी भी यस होना चाहिए, और यहाँ पे बैंक अकाउंट सीडिंग
जो कि आधार से सीडिंग होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं होता है तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे हमारा जो भी पीएम किसान का था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एस दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले हमारा भी नो था, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने स्क्रीन शॉट लेकर के रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो। यहाँ पे डेट देख सकते हैं, यही डेट है 17/2/2022 सेम, और डेट से आप पता कर सकते हैं कि मेरा ये है या नहीं है। तो देख सकते हैं 17/2/2022, 17/2/2022 डेट है ये हमारा, या आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो था। तो हमने यस करवाया, अकाउंट में जाकर के आधार लिंक करवाया, जिसके कारण हमारे यहाँ पे कंप्लीट यस टिक लग चुका है। और आप इस तरह से भी कंप्लीट कर सकते हैं। और लैंड सीडिंग नो है तो उसके बारे में भी अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि कैसे ये होगा यस, अब किस तरह से यस हम कर सकते हैं, तो आने वाले समय में हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। वीडियो हम ऑनलाइन हम बताए थे कि किस तरह से आप उसे यस कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करने के बावजूद भी अभी कंप्लीट ऑनलाइन वाला नहीं हो रहा है, तो ऑफलाइन आप कैसे इसे काम कर पाएंगे आने वाले वीडियो में हम बात बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।